हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का प्रैक्टिस सेट नंबर हम 8 की बात करेंगे, जो कि इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हम आपके 100 क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको यहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो फिर हम देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले अपने पास एक रफ शीट लेकर बैठ जाएंगे, जिसमें कि आप अपने 100 में से जो है कितने क्वेश्चन आपके सही गए और कितने गलत गए ये ज़रूर लगाएंगे अपने, और वीडियो के लास्ट में जो है कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत गए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहता है। तो फिर करते हैं प्रश्न नंबर 1 से हम शुरू, जो आपका पहला है प्रश्न नंबर 1। तो इसमें है, उत्पादन खर्चा का बीज पर 50% से अधिक व्यय होता है, तो किस पर होता है? जो उत्पादन का जो खर्च होता है बीज पर 50% जो अधिक व्यय हो जाता है वो किस पर होता है? तो वो किस पर होता है? तो वो आलू के बुवाई पर होता है। जब आलू की बुवाई करते हैं तो जो 50% जो आपका व्यय या खर्चा हो जाता है, तो आलू पर ही खर्च हो जाता है 50%। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही साथ अपने आंसर देते चलेंगे कि आपका आंसर क्या है। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करें, गेहूँ के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त फसल जो है बोई जाती है? जो आपकी गेहूं के साथ मिश्रित खेती के साथ अगर बोई जाए दूसरी फसल, तो कौन सी फसल को बोएंगे? तो जल्दी आंसर बताएंगे आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों को जो है बोया जाता है गेहूं के साथ। तो किस अनुपात में बोया जाता है? तो 9:1 में बोया जाता है। कितना अगर पूछ ले अनुपात आपसे, तो 9:1, 9 जो है गेहूँ की कतारें होती हैं, और एक कतार आपकी सरसों की होती है। कितनी? एक आपकी सरसों की होती है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 आपका, पूसा बीन किसके भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है? जो आपकी पूसा बीन है वो किसके भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है? तो किसके भंडारण के लिए की जाती है, जल्दी आंसर देंगे कमेंट में। तो क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर? तो वो हो जाएगा आपका खाद्यान्न के लिए जो है ये भंडारण में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा यहाँ से। और ये पूसा बीन जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा जो है ये विकसित खाद भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है। कौन? पूसा बीन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा तीसरे का। चौथे का आंसर बताएंगे जल्दी क्या हो जाएगा। तो सफ़ेद ग्रव किस फसल का हानिकारक कीट है? जो आपका सफ़ेद ग्रव होता है वो किस फसल में लगने वाला हानिकारक कीट होता है? तो जल्दी बताएंगे चौथे का आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ये मूँगफली के अंदर लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा चौथे का। तो और बात करें यहाँ पर, जैसे सफ़ेद ग्रह मूंगफली में लगता है, ये हानिकारक कीट है। अब पोषक पौधों की बात करें, तो यहाँ पर पोषक पौधे कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे ज्वार हो जाता है, बाजरा हो जाता है, और गन्ना और मूंगफली हो जाती है। तो ये आपके पोषक पौधे भी हो जाते हैं कुछ। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है कि लाल बाल इल्ली का वैज्ञानिक नाम किसका? लाल बाल जो आपकी इल्ली होती है उसका वैज्ञानिक नाम बताना है। तो पांचवें का आंसर जल्दी देंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का जल्दी बताएंगे। और जहां पर आपको आवश्यकता होगी बताने की, हम कुछ उसको डिटेल में भी बता देंगे। तो क्या हो जाएगा पांचवें का आंसर जल्दी बताएंगे, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इम्सेक्टा एल्वी स्टलाइंगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा लाल बाल इल्ली का वैज्ञानिक नाम। और ये जो है लाल बाल इल्ली, या इसे लाल गुल्डी की कतारा मतलब कुतरता है ये, और कमला कनारा इत्यादि के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसे जो है किसके, कमला और कानरा के नाम से भी इसे जाना जाता है, दूसरा इसका नाम होता है। अब आगे बात करें छठे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्याज और लहसुन का घातक कीट है? तो प्याज और लहसुन का जो घातक कीट है वो कौन सा कीट हो जाएगा, जल्दी आंसर बताएंगे छठे का। तो क्या हो जाएगा, ये थिप्स हो जाएगा। क्या? थिप्स कीट जो होता है ये आपके प्याज और लहसुन को बहुत हानि पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा छठे आंसर। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है आपका कि हल्की क्लियरेंस होती है, तो हल्की क्लियरेंस जो होती है वो कौन सी होती है? क्या? क्लियर रेंस जो होती है हल्की, बतानी है आपको क्या हो जाएगी। तो इसका आंसर जल्दी बताएंगे, तो हरिस के नीचे भूमि तक की दूरी को जो है हम क्लियरेंस बोलते हैं। जो हल्के नीचे की जो भूमि होती है, मतलब
हारिस के नीचे जो भूमि तक की दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, हल्की क्लियरेंसी, क्या हल्की क्लियरेंसी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा सातवें का। आगे बात करें हम आठवें प्रश्न की, आठवां प्रश्न आपका डिक्स हैरो का जो टिल्ट कोण होता है वो कितना होता है। तो डिक्स हैरो का टिल्ट कोण बताना है कितना हो जाएगा, तो आठवें का आंसर जल्दी बताएंगे आप, तो क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। कितना, 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर नौ की, प्रश्न नंबर नौ है आपका कि वह मशीन उपकरण जो संरक्षण कृषि में प्रयुक्त नहीं होती, तो यहाँ पर बतानी है वह मशीनी उपकरण जो संरक्षण कृषि में प्रयुक्त नहीं की जाती, तो कौन सी हो जाएगी, जल्दी आंसर बताएंगे, नमी का आंसर क्या हो जाएगा। तो यो जो आपके संरक्षण कृषि में प्रयुक्त नहीं की जाती है वो हो जाएगा रोटर वेटर, कौन, रोटर वेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी आंसर सही हो जाएगा नमी का। बात करें 10 क्वेश्चन की, 10 है आपका कि बीज का वास्तविक गुण निर्धारण किया जाता है, तो बीज का जो वास्तविक गुण निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, और ये क्वेश्चन हमने हर प्रैक्टिस सेट में कराया आपका, बीज से संबंधित क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो जल्दी बताएंगे आपके दसवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बीज का वास्तविक गुण निर्धारण किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो शुद्धता प्लस अंकुरण, जो अंकुरण द्वारा जो है बीज की जो वास्तविक गुण है उसका निर्धारण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर सही दसवें का। बात करते हैं 11 क्वेश्चन की, 11 क्वेश्चन आपका कि बीज जीविता परीक्षण किया जाता है, जो बीज जीवित परीक्षण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो जल्दी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा टेट्राजोलिन परीक्षण के द्वारा, जो आपका 2,3,5 जो टाइफिनाइल टेट्राजोलिन क्लोराइड होता है, जो एंजाइम होता है उसके द्वारा जो है आपकी बीज की जीवन क्षमता जो है ज्ञात की जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर 11 का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करें 12 क्वेश्चन की, 12 क्वेश्चन आपका बीज में भौतिक परिवर्तन कब होता है, तो बीज में जो है भौतिक परिवर्तन कब होता है, जल्दी आंसर बताएंगे आप में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीज की भौतिक जो आपका परिवर्तन होता है कब होता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो बीज की भौतिक परिवर्तन कब होता है, तो जल्दी बताएंगे, तो बीज बुवाई के समय पर जो है उसके बीज में भौतिक परिवर्तन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का आंसर सही। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 13 की, प्रश्न नंबर 13 है आपका कि बीज की गुणवत्ता का कौन सा घटक बीज के द्वारा संचारित रोगों से संबंधित है, तो जो बीज की गुणवत्ता का जो कौन सा आपका घटक है जो बीज के द्वारा संचारित रोग से संबंधित हो जाता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये स्वच्छता हो जाएगा, कौन सा, स्वच्छता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14, अधोभूमि अंकुरण पाया जाता है, तो अधोभूमि अंकुरण किस में पाया जाता है आपका, तो किसके अंदर पाया जाता है, तो 14 का आंसर जल्दी बताएं क्या हो जाएगा, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका जो अधिकतम एक बीजपत्रीय और कुछ द्विबीजपत्रीय होते हैं, कैसे, जो अधोभूमि अंकुरण पाया जाता है वो अधिकतम तो एक बीजपत्रीय होते हैं और कुछ जो है द्विबीजपत्रीय भी होते हैं जिनमें जो आपका अधोभूमि अंकुरण पाया जाता है, तो ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा 14 का। बात करते हैं 15 क्वेश्चन की, 15 क्वेश्चन आपका कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं, तो किन क्षेत्रों में जो है आपके शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है अधिक प्रयुक्त होते हैं, तो किस में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो वायु अपरदन के लिए जो है ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र अधिक होते हैं, तो किसके लिए, वायु अपरदन के लिए, तो विंड इरोजन के लिए हो जाते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 15 का ऑप्शन सही। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 16 की, 16 है कि खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को क्या कहते हैं, जैसे आपकी एक खड़ी फसल है उसके कटने से पहले जो है दूसरी फसल की बुवाई कर दी जाती है, तो उसे हम कौन सी जो है आपको बोलेंगे, मिस क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग या बहु फसली क्रॉपिंग बोलेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे हम रिले क्रॉपिंग, क्या बोलेंगे, रिले क्रॉपिंग बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सॉरी 16 क्वेश्चन का आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन आपका रिले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन थे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये 17 में आपका, जो आपका रिले क्रॉपिंग है इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर एस बेंस जो थे आपके इसके संस्थापक थे, तो 17 का आंसर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें हम, तो ये जो है एक वर्ष में एक फसल के काटने से पूर्व दूसरी फसल की तैयारी कर ली जाती है, तो इस प्रकार एक वर्ष में चार फसलें ली जा सकती हैं, इसे जो है रिले क्रॉपिंग कहते हैं। और बात करें यहाँ पर जो आपके
एम एस स्वामीनाथन है, ये आपके भारत में जो है हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं। कौन? एम एस स्वामी कौन हो जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जो है आपके कौन हो जाएंगे ये, तो हरित क्रांति के ये जो है आपके जनक हो जाएंगे भारत के अंदर। किसके? हरित क्रांति के। तो आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का। आगे बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन है आपका कि मार्मलेड बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हर प्रैक्टिस सेट में आपका ये क्वेश्चन आ रहा है। तो मार्मलेड बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त फल है कौन हो जाएगा? सावर ऑरेंज हो जाएगा। कौन? सावर ऑरेंज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 18 का आंसर सही। बात करें 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन है, आंवला को नमक के घोल में कितने दिन रखा जा सकता है। तो आंवले को जो है नमक के घोल में हम कितने दिन रख सकते हैं, तो जल्दी आंसर बताएंगे 19 का क्या हो जाएगा। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका 75 दिन तक जो है हम आंवले को नमक के घोल में रख सकते हैं। और आंवले के लिए जो है 15% नमक के घोल में जो है रखा जाता है। कितने? 75 दिन तक जो है वो चलेगा। अगर 15% नमक के घोल में हम रखते हैं उसे, तो कितने दिन चलेगा वो? 75 दिन चलेगा। कितने? 75 दिन। तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का। बात करते हैं 20 क्वेश्चन की। 20 क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा डिब्बा बंद फल उत्पादन के विपणन के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो डिब्बा बंद जो फल उत्पादन के लिए विपणन के लिए जो आपका उत्तरदायित्व हो जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी आंसर बताएंगे आप। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो एंजाइमेटिक्स ब्राउनिंग हो जाएगा। कौन? एंजाइमेटिक्स जो ब्राउनिंग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 का आंसर सही। बात करें 21 क्वेश्चन की। 21 है, केले के फल को पकाने के लिए कितना तापमान उपयुक्त होता है। तो केले के फल को पकाने के लिए कितना तापमान उपयुक्त होता है, तो जल्दी बताएंगे आप कितना हो जाएगा आंसर इसका। तो 21 का आंसर जल्दी बताएं कमेंट में क्या हो जाएगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका 20 सेंटीग्रेड जो है तापमान होता है केले को पकाने के लिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 21 का आंसर सही। बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। 22 क्वेश्चन है कि कपास की रुई का प्रतिशत होता है, जो आपकी कपास होती है, कपास की रुई का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, तो जल्दी आंसर बताएंगे। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अबाउट 25%, मतलब 25% से जो है अधिक होता है आपका कपास में रुई का प्रतिशत मात्रा। तो ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। तो 22 का आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की विशेषता है। तो भारतीय कृषि की विशेषता जो है आपकी कौन सी हो जाती है, 23 का आंसर जल्दी बताएंगे आप कमेंट में। तो क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो मौसमी वर्षा पर निर्भर। जो भारत की कृषि की जो विशेषता होती है वो मौसमी वर्षा पर निर्भर रहती है, कि वर्षा के ऊपर जो है निर्भर रहती है भारतीय जो कृषि विशेषता होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर सही। और भारत की जो कृषि अन्य विशेषता हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहली हो जाती है आपकी कृषि पर जनसंख्याओं का दबाव होना, दूसरा हो जाएगा जानवरों का महत्व होना, तीसरा हो जाएगा विभिन्न प्रकार की फसलें, चौथा हो जाएगा खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, और पांचवा हो जाएगा जैविका कृषि हो जाती है। तो ये आपके भारतीय कृषि की विशेषताएं और अन्य हो जाती हैं। तो यहाँ पर 23 का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 24 की बात। 24 आपका कि एक भूमि पर एक ही वर्ष में दो से अधिक फसलें क्या कहलाती हैं। मतलब एक ही भूमि पर अगर एक वर्ष के अंदर हम दो से अधिक फसलों को लेते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, तो क्या बोलेंगे हम, तो जल्दी आंसर बताएंगे। इजी क्वेश्चन हो जाता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या? मल्टीपल क्रॉपिंग हो जाएगा, क्योंकि एक ही भूमि पर और एक ही वर्ष के अंदर दो या दो से अधिक फसलों को लेना क्या कहलाता है आपका, तो ये कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुफसली खेती कहते हैं इसे। और रिले क्रॉपिंग की बात करें, वैसे हमने पीछे बता दिया आपको, तो रिले क्रॉपिंग की बात करें तो एक मौसम में एक ही खेत में एक से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर पंक्तियों में अथवा छिड़काव विधि से बोया जाए तो उसे बोलते हैं हम रिले क्रॉपिंग। जैसे गेहूँ प्लस चना बो देंगे साथ में, या अरहर प्लस ज्वार को हम बो देंगे, तो ये आपकी हो जाती है रिले क्रॉपिंग। आगे बात करें 25 क्वेश्चन। 25 है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था स्थित है, तो कहाँ पर हो जाएगी, ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और एग्जाम में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा, तो कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका कानपुर में हो जाएगा जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 25 का आंसर सही। और यहाँ पर हम कुछ और अन्य बात कर लेते हैं
लखनऊ की बात करें, लखनऊ में क्या है तो आपका हो जाता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर? लखनऊ में हो जाता है। और यहाँ जयपुर की बात करें हम तो जयपुर में क्या हो जाता है आपका, तो जयपुर में है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, कहाँ पर? राजस्थान, जो जयपुर है आपका वहाँ पर हो जाएगा क्या, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान हो जाता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे बात करते हैं 26 क्वेश्चन। 26 है कि कम वायुमंडलीय दाब के कारण बाष्प उत्सर्जन दर होगी, जो आपका कम वायुमंडलीय दाब है उसके कारण जो बाष्प उत्सर्जन की दर होगी वो बढ़ेगी या घटेगी या धीमे धीमे होगी या कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, तो वो बढ़ेगी, तो उसकी जो बाष्प उत्सर्जन दर हो जाती है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 26 का। बात करें 27 क्वेश्चन। 27 आपका C4 पौधे कौन से होते हैं, तो C4 पौधे बताने आपको कौन सा हो जाएगा। तो एक चीज़ हम यहाँ आपको बता दें, जो आपकी जो खाद्यान्न फसलें होती हैं वो जो है आपके कौन सी होती हैं, वो आपके C3 प्लांट होते हैं। और जो आपकी जैसे मक्का हो जाएगी, गन्ना हो जाएगी और बाजरा हो जाएगा, ये आपके सब जो हैं C4 प्लांट के होते हैं, क्या C4 के। तो यहाँ पर आप देख लेंगे तो आपकी ये भी खाद्यान्न हो जाती है, ये भी खाद्यान्न फसल हो जाती है, धान भी और अरहर भी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मक्का और आपका गन्ना और बाजरा ये जो आपके C4 प्लांट होते हैं, और गेहूँ और धान और अरहर ये आपके C3 प्लांट के जो है पौधे होते हैं। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 27 का। बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। 28 क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में अधिक होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है किस प्रकार में जो है आपका प्रकाश है उसमें अधिक होता है, तो किसके अंदर होता है, तो 28 का आंसर जल्दी बताएंगे, तो लाल प्रकाश के अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का आंसर सही। बात करें 29 क्वेश्चन की। तो क्रांज शारीरिक पाई जाती है, जो आपकी क्रांज शारीरिक पाई जाती है वो किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है, तो 29 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा आपका, तो क्रांज शारीरिक किस में पाई जाती है, तो C4 प्लांट में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। और C3 पौधों की बात करें, जैसे हमने पीछे बता दिया आपका, तो C3 पौधे कौन कौन से, चावल हो जाता है, गेहूं हो जाता है, कपास हो जाता है, जो हो जाता है, C3 प्लांट के हो जाते हैं। और कैम की बात करें, यहाँ पर कैम दिया हुआ नहीं है लेकिन बात कर लेते हैं हम, जो कैम पौधे होते हैं उनके उदाहरण जैसे केकटस हो जाता है, आर्टकीच हो जाता है, जेड प्लांट हो जाता है और अनानास हो जाता है, ये आपके कैम प्रकार के पौधे होते हैं। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 30 क्वेश्चन की। तो 30 क्वेश्चन आपका कि वर्ष 1903 में प्योर लाइन की जो संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, कौन सी प्योर लाइन की जो 1903 में जो संकल्पना दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी, तो 30 का आंसर जल्दी बताएंगे आप क्या हो जाएगा, तो आंसर जल्दी बताएं कमेंट में 30 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जोहेंसन ने जो है आपके 1903 में प्योर लाइन की जो संकल्पना दी थी, तो ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा सही 30 का। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 31 की। तो 31 है आपका संकर प्रजाति विकसित करने में नर बंधता लाइन को प्रदर्शित करती हैं, तो वो आर लाइन को करती हैं, बी लाइन को, या सी लाइन को, या ए लाइन को, तो जो आपकी संकर प्रजातियां होती हैं वो नर बंधता मतलब कौन सी लाइन को प्रदर्शित करती हैं, तो कौन सी लाइन को प्रदर्शित करती हैं, जल्दी आंसर बताएंगे आप क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो ए लाइन जो होती हैं आपकी, ये आपकी नर बंधता को प्रदर्शित करती हैं, तो ए लाइन आपकी नरबंधता करती हैं, और आर लाइन जो है आपकी रिट्रैक्शन लाइन को करती हैं, और बी लाइन किसको करती हैं, तो मेंटेनेंस लाइन को आपको बी करती हैं ये, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी डी आंसर। आगे बात करें 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन का आंसर है आपका इस जो इसलिंग के लिए एक महत्वपूर्ण अलैंगिक प्रबंधनक तकनीकी कौन सी हो जाती है, जो स्टूलिंग होती है आपकी, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण जो अलैंगिक प्रजनन विधि है वो किस फसल में आपकी की जाती है, तो किस में की जाती है, वो अमरूद के अंदर की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 32 का ऑप्शन सही। बात करें 33 क्वेश्चन की। तो सिमिट स्थित है, जो आपका सिमिट है ये कहाँ पर स्थित है, तो इसकी बात करें हम कौन सा, तो अंतर्राष्ट्रीय जो गेहूं या मक्का अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर हो जाएगा आपका, तो कहाँ पर हो जाएगा ये, तो मेक्सिको में हो जाता है सिमिट आपका स्थित, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, तो 33 का ऑप्शन ए। बात करें आगे 34 क्वेश्चन की। 34 आपका कि प्रथम प्रायोगिक जो ऑटोटेटाइप लाइन का निर्माण किसके मतलब किसने किया था,
जो आपका ऑटो टेटाई प्लाइन है इसका निर्माण जो है किसने किया था, तो 34 का आंसर जल्दी बताएंगे आप क्या हो जाएगा, तो इसका निर्माण किसने किया था, तो आपका क्या था, बिनकलर ने जो है इसका जो है निर्माण किया था, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा सही 34 का। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 35 की। 35 क्वेश्चन में बताना है आपको कि यहाँ पर कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताना है, तो एक तरफ फसल की प्रजाति है, दूसरी तरफ उत्पत्ति स्थान है। तो बात करें जैसे आपका अरुणा हो जाता है, तो अरुणा जो हो जाता है इसका जो उत्पत्ति जो है किसके द्वारा हुई है, तो इसकी हुई है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है पहले ही। लेकिन जगन्नाथ किसका है, उत्परिवर्ती से होती है। जय किससे होती है, अंत प्रजाति संकरण द्वारा। पूसा जय किसान, तो काई के क्लोनिंग विधिता द्वारा। लेकिन जो आपकी ये अरुणा जो होती है, अरुणा जो है ये उत्परिवर्तित है, क्या है ये, अंत स्पेसीज नहीं है, क्या है ये, तो ये हो जाती है आपकी उत्परिवर्तित हो जाती है, क्या, उत्परिवर्तित हो जाती है, तो उत्परिवर्तित हो जाती है ये आपकी अरुणा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए ही सही है 35 का। बात करते हैं आगे 36 क्वेश्चन की। 36 क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यटन पुरस्कार का आधार क्या है, जो प्रत्येक वर्ष जो आपका इंदिरा गांधी पर्यटन पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, जो इंदिरा गांधी है इसका पुरस्कार आधार क्या हो जाएगा, 36 का आंसर जल्दी बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण के क्षेत्र में जो सार्थक योगदान देना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 36 का। बात करते हैं आगे 37 क्वेश्चन की। 37 है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, तो प्राथमिक प्रदूषक कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर बताएंगे, तो कौन सा हो जाएगा आपका प्राथमिक जो प्रदूषक नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, जल्दी आंसर बताएंगे, तो H2SO4 हो जाता है, हाइड्रोसल्फाइड हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 37 का। बात करें 38 क्वेश्चन की। भारत में वाटरशेड मेजरमेंट की शुरुआत किसने, मतलब कौन से दशक से की गई थी, जो आपका वाटरशेड जो मैनेजमेंट है ये कब से शुरू किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1970 के दशक से, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, तो 38 का आंसर भी। बात करें 39 क्वेश्चन की। 39 है कि भूमिगत या अधोपृष्ठीय जल निकास से जो है क्या लाभ नहीं होता है, जो भूमिगत और अधोपृष्ठीय जल निकास होता है उससे क्या लाभ नहीं होता है, तो 39 का आंसर जल्दी बताएं क्या हो जाएगा, तो यह जो है आसान और सस्ती विधि हो जाती है, इसलिए इससे जो है लाभ प्राप्त नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर सही 39 का। बात करें हम 40 क्वेश्चन की। 40 क्वेश्चन आपका कि पानी की वह मात्रा जो एक घन मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित बिंदु से बह रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे क्यूमेक, क्यूसेक या एकड़ इंच या इनमें से कोई नहीं, जो पानी जो है, पानी की वह मात्रा जो एक घन मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निचली जो निश्चित बिंदु है वहाँ पर बह रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे बोलेंगे हम आपका क्यूमेक, क्या, क्यूमेक बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाता है। और एक क्यूमेक कितने को बोलते हैं, तो एक क्यूमेक एक जो बोलते हैं हम कितने को बोलते हैं, तो 1000 लीटर को जो है आपका क्यूमेक बोलते हैं। और बात करें एक घन मीटर, तो एक घन मीटर कितने को बोलते हैं, तो ये बोलते हैं 1000 लीटर को ही एक जो है आपका घन मीटर बोलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे बात करते हैं 41 क्वेश्चन। 41 है कि वो क्या है, बी नोच से क्या नापते हैं, तो बी नोच जो होता है उसके द्वारा क्या नापा जाता है, तो उससे जल का बहाव नापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 41 का। बात करें 42 क्वेश्चन की। 42 है कि मिट्टी का नमूना लेते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो इसका आंसर जल्दी कमेंट में बताएंगे कि आपका 42 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो मिट्टी का नमूना लेते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले है कि खेत में ऊंची नीची जगहों से नमूना नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। पेड़ की जड़ के पास से नमूना नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। खड़ी फसल में नमूना न लें, मतलब खड़ी फसल है अगर खेत में तो तब भी उसका नमूना नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल सही हो जाता, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा आपका 42 क्वेश्चन का। बात करें 43 क्वेश्चन। मृदा परीक्षण के जनक कौन है, तो मृदा परीक्षण के कौन है जल्दी कमेंट में आंसर बताएंगे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हमने क्वेश्चन कराए भी हैं आपको। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को देख लेंगे, वहां सब्जेक्ट वाइज आपको सारी प्लेलिस्ट कराई हुई है, उनको एक बार जरूर देखें। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, तो इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो इनमें से जो है कोई सा नहीं होता है आपका, जो मृदा विज्ञान के जनक है। लेकिन होते कौन है, तो इनके जनक हैं कौन है, तो एम क्या हो जाएगा, एम और एल क्यों हो जाएंगे, ट्रोग,
जो आपके ट्रोग हैं ये मृदा परीक्षण के जो है आपके जनक हो जाते हैं। जो मृदा मृदा क्षणन है, जो परीक्षा क्षणन है, मृदा का जो परीक्षण करते हैं तो उसके जनक कौन हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएगा ML ट्रोग हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई सा सही नहीं है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। 44 है कि नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त तापक्रम है लगभग कितना तापक्रम होना चाहिए जो नाइट्रिफिकेशन करने के लिए, तो कितना होना चाहिए, तो उसके लिए 30 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा 44 का। बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। 45 है कि 17वां जो आवश्यक पादप पोषक तत्व है वो कौन सा हो जाता है, जल्दी आंसर बताएंगे, और इजी क्वेश्चन हो जाता है ये 45, तो इसका बताना है जल्दी। जो जो आपका 17वां आवश्यक पोषक तत्व है कौन सा हो जाएगा, वो निकिल हो जाता है आपका 17वां, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर हम कुछ पोषक तत्वों की बात कर लें, जैसे आपके 17 पोषक तत्व में कौन कौन से हैं, पहला आपका कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्ता, तांबा, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, बोरान और निकिल, ये आपके 17 पोषक तत्व हो जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 क्वेश्चन की। 46 क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर 46 की बात करते हैं, तो मृदा में जो जीवांश पदार्थ का जो है जो की मात्रा ज्ञात करने के लिए जीवांश कार्बनिक की मात्रा को किस गुणा मतलब गुणांक से गुणा की जा करते हैं। मतलब अगर हमें कोई मृदा में जीवाश्म पदार्थ है, अगर हमें उससे मृद जो मात्रा ज्ञात करनी है किसकी, जीवाश्म कार्बनिक की मात्रा, तो उसमें जो हम किससे गुणा करेंगे, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1.724 से जो हम गुणा करेंगे तो उससे जो है आपके जो जीवाश्म कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो निकली आएगी। आगे बात करते हैं हम 47 क्वेश्चन। 47 है कि फास्फेटिक एवं जो पोटेशिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो किन में हम फास्फेटिक और पोटेशिक जो उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो किस में करते हैं हम, तो बुवाई के समय जो मूल खाद के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 47 का। 48 का आंसर बताना है आपको क्या हो जाएगा, मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का जो क्रांतिक स्तर होता है वो कितना होता है, किसका पूछा है, तो सल्फर का पूछा गया है, जल्दी आंसर बताएंगे 48 का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 0.5 ppm हो जाएगा, कितना जो क्रांतिक स्तर होता है कितना होता है सल्फर का, तो 0.5 ppm हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही 48 का। बात करें 49 क्वेश्चन की। 49 क्वेश्चन आपका कि गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं, तो गंधक के लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं, जल्दी आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा, इजी क्वेश्चन हो जाता है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, तो 49 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा आपका, तो गंधक के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, तो नई बढ़वार पर ये जो है लक्षण दिखाई देते हैं आपके, ये गंधक के कारण जो पौधे की पत्तियों पर दिखाई देते हैं, तो जो नई बढ़वार होती है तो उन पर जो है आपके लक्षण दिखाई देते हैं। बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। 50 क्वेश्चन आपका कि जल क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से जानी जाती है, जो जल क्षरण की जो है यहाँ पर बतानी कौन सी विधि है जो मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से जानी जाती है, तो कौन सी हो जाएगी, तो जल्दी आंसर बताएंगे, तो वो हो जाती परत क्षरण, कौन सी परत क्षरण हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा आपका, तो 50 का। बात करते हैं 51 क्वेश्चन। 51 जो है आपका हो जाता है एक्सटेंशन से शुरू, तो भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम था, जो आपका भारत में जो प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र था तो उसका नाम क्या था, तो 51 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाता है, कृषि जगत उसका नाम था, क्या था, कृषि जगत, और ये शुरू कब किया गया था, प्रकाशित कब हुआ था, तो 1946 में जो है ये शुरू किया गया था, जो कृषि आपका भारत में जो प्रकाशित था कौन सा ग्रामीण समाचार पत्र, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में, और कृषि जगत जो था वो आपका समाचार पत्र था, तो ऑप्शन बी हो जाता है 51 का आंसर सही। बात करते हैं 52 क्वेश्चन की। 52 है आपका प्रसार शिक्षण के सोपान है, जो आपका प्रसार शिक्षण है इसके सोपान कौन हो जाता है, तो सोपान कौन हो जाएगा, जल्दी आंसर बताएंगे, तो इसका हो जाएगा कौन सा, सचेष्ट हो जाता है, रुचि हो जाती है, इच्छा हो जाती है, दृढ़ विश्वास हो जाता है, और क्रिया किन्वय हो जाता है, और संतुलित हो जाता है, क्या, संतुष्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, जो प्रसार शिक्षण के सोपान हो जाते हैं ये सारे हैं। आगे बात करते हैं हम
तरेपन क्वेश्चन की। तरेपन क्वेश्चन है कि प्रसार कार्य आवश्यकता तथा अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए। जो प्रसार कार्य है वो आवश्यक और अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए, तो किस पर आधारित होना चाहिए जल्दी आंसर बताएंगे, तो वो जनता पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है तरेपन का आंसर। बात करते हैं 54 क्वेश्चन की। 54 क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर बताना है 54 क्वेश्चन में, तो एक मिनट वेट करेंगे आप, एक सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाता है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना RKBI किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। जो आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है तो वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, तो किस पंचवर्षीय के दौरान की गई थी आपकी, तो ये की गई थी आपकी किसके, तो ये जल्दी आंसर बताएंगे आप, 54 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 2007 और 8 में जो है ये शुरू की गई थी, तो इसका ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा, जो 5 ईयर प्लान हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है। और इसका जो उद्देश्य था तो कृषि क्षेत्र में जो है 4% जो है वृद्धि, इसमें कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि करना जो था इसका उद्देश्य था, किसका, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही 54 का। बात करते हैं 55 क्वेश्चन की। 55 है कि संस्था ग्राम संपर्क प्रोग्राम देश में कब शुरू हुआ था। जो आपका संस्था ग्राम संपर्क प्रोग्राम है देश में कब शुरू किया गया था, तो कब शुरू किया गया था, तो 1995 में इसे शुरू किया गया था। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाता है 55 का। और आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 56 की। 56 है आपका उत्पादन की लागत का सिद्धांत प्रयोग करते हुए न्यूनतम की जा सकती है। जो आपकी उत्पादन की लागत का अगर सिद्धांत प्रयोग करते हैं हम, तो न्यूनतम जो है उसकी लागत की जा सकती है, तो कितनी, तो वो हो जाती है आपकी न्यूनतम मूल्य संयोजक का नियम लगाकर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही 56 का। बात करते हैं 57 क्वेश्चन। 57 की उन्नत बीज उर्वरक और कीटनाशी दवाओं जैसे आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है ये, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सहकारी समितियों के द्वारा आपका उन्नत बीज और उर्वरक और कीटनाशी दवाओं का वितरण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 57 का। आगे बात करते हैं 58 क्वेश्चन की। 58 क्वेश्चन है कि कृषि वस्तुओं का सामर्थ्य मूल्य क्या है, किसका, कृषि वस्तुओं का सामर्थ्य मूल्य बताना है क्या हो जाता है, तो क्या हो जाएगा जल्दी आंसर बताएंगे आप। 58 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा फ्लोर प्राइस जिसके नीचे यह बेचने न जा सके, किसके, जो फ्लोर प्लाइंस होता है जिसके नीचे यह बेचा नहीं जा सके उसे जो बोलते हैं सामर्थ्य मूल्य बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 58 का आंसर सही। बात करते हैं 59 क्वेश्चन की। 59 क्वेश्चन आपका कि किस, मतलब जिस कीमत पर सरकार मंडी के कृषकों तथा व्यापारियों में से जो है उनकी उपज क्रय करता है, तो उसे क्या कहते हैं। जो आपके किसान होते हैं उनसे जो है किसी कीमत पर सरकार मंडी में कृषक और तथा व्यापारी से उनकी उपज क्रय करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे आपका, तो वसूली खरीदी मूल्य बोलेंगे उसे, तो ऑप्शन नंबर, वो एक तरह से वसूली करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 59 का आंसर सही। बात करें 60 क्वेश्चन की। 60 क्वेश्चन आपका कि 60 की बात करते हैं, तो 60 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किसमें सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो आपकी सांख्यिकी भूमिका जो निभाती है वो कौन सी हो जाएगी, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, तो वो हो जाएगा आपका सामाजिक आर्थिक नीतियों की योजना बनाते हैं, बिल्कुल सही हो जाता है, और निगरानी मूल्यों एवं शासन में जो है सुधार करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाते हैं। बात करते हैं 61 क्वेश्चन की। तो 61 क्वेश्चन है आपका, तो ये हो जाता है आपका, तो शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसिंग की पत्ती में कितना पाच्य प्रोटीन पाया जाता है। तो शुष्क पदार्थ के मात्रा के आधार पर बताना, जो बरसिंग की जो पत्ती होती है उसमें कितना पाच्य जो आपका प्रोटीन पाई जाती है, तो कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो वो हो जाएगी आपकी 20% जो है आपकी प्रोटीन पाच्य पाई जाती है, ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा 61 क्वेश्चन का। बात करते हैं प्रश्न नंबर 62 क्वेश्चन की। 62 क्वेश्चन आपका कि कृत्रिम गर्भधान केंद्र पर वीर्य निम्न में से
किस तापमान पर भंडारित किया जाता है, जो आपका कृत्रिम गर्भाधान जो है वीर्य एकत्रित किया जाता है वो कितने तापमान पर किया जाता है, तो वो कितने पर किया जाता है, 5 सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। और इसमें जो है रेफ्रिजरेटर होता है उसमें 5 सेंटीग्रेड तापमान पर रखते हैं, और तरल नाइट्रोजन में हिमीकरण के रूप में जो है कितनी, -196 सेंटीग्रेड तापमान होता है। किसके अंदर होता है, तो जो तरल नाइट्रोजन हिमीकृत होती है। तो आगे बात करते हैं हम 63 क्वेश्चन की। 63 क्वेश्चन आपका, मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाला सबसे उत्तम स्रोत कौन सा हो जाता है, जो मुर्गियों में प्रोटीन देने वाला सबसे उत्तम स्रोत हो जाता है तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा फिश मील जो हो जाता है ये सबसे उत्तम प्रोटीन देता है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही 63 का। 64 की बात करें, 64 आपका, 100 ग्राम पनीर में कितने ग्राम प्रोटीन होती है, तो 100 ग्राम पनीर में कितने ग्राम प्रोटीन होती है, तो कितनी हो जाएगी, तो 20 ग्राम प्रोटीन हो जाती है आपकी 100 ग्राम पनीर में। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 64 का। बात करते हैं 65 क्वेश्चन की। 65 है आपका कि गाय के दूध ज्वर रोग किसकी कमी से होती है, तो जो आपके गाय होती है गाय में जो बुखार या दुग्ध ज्वर होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो 65 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है, ये ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है 65 का बी। यहाँ पर एग्रीकल्चर का आपके 65 क्वेश्चन हो जाते हैं, और आपके एग्रीकल्चर में कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं कमेंट में भी ज़रूर बताते रहें साथ ही साथ, तो कितने आंसर हो जाएंगे आपके सही और कितने गलत हो जाते हैं। बाद में आपको स्कोर भी बताना, जो 100 क्वेश्चन का स्कोर बताना कि कितने सही गए और कितने गलत। तो बात करते हैं अब हम आपका कंप्यूटर की। तो यहाँ से कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी शुरू होती है 15 क्वेश्चन यहाँ से। तो 66 की बात करते हैं, 66 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए जो स्लॉट प्रदान करता है, तो कौन करता है आपका, जो ग्राफिक कार्ड को जो है जोड़ने का जो स्लॉट प्रदान करता है वो कौन करता है, तो कौन हो जाएगा आपका, AGP जो स्लॉट होता है ये कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही 66 का। बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। 67 क्वेश्चन आपका कि सुपर कंप्यूटर का उदाहरण यहाँ पर बताना है, तो जो आपका सुपर कंप्यूटर है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो जल्दी बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा सुपर कंप्यूटर का, तो ये हो जाता क्रे जो है 2 हो जाता है, ये भी आपका सुपर कंप्यूटर है। क्रे XMP जो 24 हो जाता है ये भी आपका हो जाता है सुपर कंप्यूटर, और 3A2 ये भी आपका सुपर कंप्यूटर हो जाता है, तो उपरोक्त सभी हो जाते हैं यहाँ पर सही, तो 67 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम 68 क्वेश्चन की। 68 क्वेश्चन आपका कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, जो माइक्रोचिप होती है उसे बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का जो है प्रयोग किया जाता है माइक्रोचिप बनाने के लिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर सही 68 का। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 69 क्वेश्चन। 69 है कि दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेटन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वह क्या होता है, तो जो आपका वर्तमान में स्थिति है उसमें अगर एक इनपुट प्रतीक के लिए जो है यदि कोई जो ऑटोमेटन केवल एक स्टेट में जो जा सकता है उसे जो हम वह है मतलब उसे क्या कहते हैं हम, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो उसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, डेटा मिनिस्टिक ऑटोमेटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिटरमिनेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाता है 69 क्वेश्चन का। 70 क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा नोबेल नेटवर्क यूटिलिटी प्रोग्राम केबल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइल को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो आपका नोबेल इंटरवेयर होता है उसमें यूटिलिटी प्रोग्राम केवल एक नेटवर्क डिवाइस से जो है हटी हुई फाइल को जो है पुनः जो है करने की अनुमति कौन देता है, तो जल्दी आंसर बताएंगे 70 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन देता है, तो अनुमति कौन देता, तो साल्वेज जो होता है यह अनुमति प्रदान करता है इसके लिए जोड़ने के लिए, तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा 70 का। बात करते हैं 71 क्वेश्चन की। तो 71 क्वेश्चन आपका, 71 की बात करते हैं हम, तो 71 को थोड़ा जूम आउट कर लेंगे हम, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या नहीं है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो लक्ष्य है वो क्या नहीं हो जाता है, तो यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा मानव प्राकृतिक और आदतों
की जो है आपका संयमिति कर उन्हें जो अधिक परिष्कृत बनाना होता है। तो 71 का आंसर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 72 क्वेश्चन की। तो 72 क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर बताना है 72 में आपको कि आर्डून में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ए और बी ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको आंसर बताना। तो सिंक्रोन्स हो जाता है या असिंक्रोन्स हो जाता है, पहला है आपका सिंक्रोन्स, दूसरा हो जाता है असिंक्रोन्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 72 का, जल्दी बताएंगे आप क्या हो जाएगा। तो आपका ए और बी दोनों हो जाते हैं, तो दोनों ये सही दिए हुए हैं आपके, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 72 का। 73 की बात करते हैं हम। 73 क्वेश्चन है कि भीम का पूर्ण रूप क्या हो जाता है। जो भीम का जो पूर्ण रूप हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो भारत इंटरफ्रेस फॉर मनी जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है पूरी। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 73 का। बात करते हैं 74 क्वेश्चन की। 74 क्वेश्चन है आपका कि वर्ड में पूर्ण जो पूर्व में निर्धारित ग्राफिक की एक श्रृंखला शामिल है और जिसे हम खालिस्तान कहते हैं, तो वो जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है डाला जाता है, तो वो कहाँ पर डाला जाता है, तो कहाँ पर डाला जाता है, तो एलिप आर्ट्स में डाला जाता है। किसमें, एलिप आर्ट्स में। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 74 का। 75 की बात करते हैं। 75 क्वेश्चन आपका कि MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी जो है संख्या कितनी होती है। तो कितनी संख्या होती है आपकी, तो 63 संख्या होती है उनकी, उनमें जो है 63 कॉलम डाले जा सकते हैं। और कितने आपकी रो कितनी डाली जा सकती हैं, तो 32, कितने 32,767 आपकी रो डाली जा सकती हैं और 63 कॉलम डाले जा सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका 75 क्वेश्चन का। 76 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन खंड विच्छेदन का प्रकार नहीं है, तो खंड विच्छेदन का कौन सा प्रकार नहीं हो जाता है, जल्दी बताएंगे आपसे। तो जल्दी आंसर बताएंगे कौन सा हो जाएगा, कोलम जो हो जाता है यह आपका खंड विच्छेदन का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर सही 76 का। बात करते हैं 77 क्वेश्चन की। 77, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर बताना, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें जो कैरेक्ट फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, तो वो किसके अंदर नहीं होता है, तो किसके अंदर नहीं होता, तो किसके इंडे टेंशन है, तो इसके अंदर ये जो है आपका फॉर्मेटिक विकल्प जो नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 77 का आंसर सही। 78 की बात करें, 78 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्य पत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है। तो इसमें बताना है, जो आज की तारीख में जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 है उसमें अगर हम आज का जो देखते हैं आपके तारीख, तो वो जो है कौन सा फंक्शन हो जाता है, तो 78 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा टुडे, जो है दोनों तरफ से ब्रैकेट ऑफ हो जाएंगे, ये हो जाता है आपका आज की तारीख का जो आपका हो जाता है क्या, कार्य पत्र। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 78 क्वेश्चन का आंसर सही। बात करें 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन है गूगल क्रोम में एक नई इनका जो ग्रेंटी विंडो है वो कमांड से जो है खुलती है, तो कौन सी कमांड से खुलती है, इनका ग्राउंड विंडो जो है किसकी कमांड से खुलती है, जल्दी बताएंगे 79 का क्वेश्चन। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन के साथ ये खुल जाती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 79 क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर आपका 80 क्वेश्चन। एडाइड एक तरह का सॉफ्टवेयर है, तो किस तरह का जो एडाइड है ये आपका किस तरह का, जो एंड्रॉयड हो जाता है, एंड्रॉयड जो होता है ये एक तरह का जो सॉफ्टवेयर है, किस तरह का सॉफ्टवेयर हो जाएगा, 80 का आंसर जल्दी बताएंगे आप क्या हो जाएगा। तो ये एक सिस्टम हो जाता है, एंड्रॉयड सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो गए। कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन सही गए आपके 15 में से, जल्दी बताएंगे कमेंट में, तो कितने हो जाएंगे जल्दी बोलेंगे। तो अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 81 से, जो कि उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो यहाँ करते हैं हम आगे। तो UPSIDL का फुल फॉर्म बताना है क्या हो जाएगा, तो किसका फुल फॉर्म बताना है, तो 81 क्वेश्चन जल्दी बताना है आपको, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास जो प्राधिकरण है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। 81 का आंसर ए हो जाएगा सही। बात करते हैं आगे
बयासी क्वेश्चन। बयासी क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जो कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो जल्दी आंसर बताएंगे बयासी क्वेश्चन का, एक बार क्वेश्चन और सुन लेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो कितना था जल्दी बताएंगे आप, तो 77.7% था। किसका? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। अब आगे बात करें हम तिरासी क्वेश्चन। तिरासी है आपका कि पिछले दो दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है। तो आपके जो पिछले दो दशक हुए हैं उनमें उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उनके क्या कारण हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है? स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारी पर नियंत्रण, इसके कारण जो है अधिक वृद्धि हुई है जनसंख्या की पिछले दो दशक के अंदर अंदर। आगे बात करते हैं हम चौरासी क्वेश्चन। चौरासी क्वेश्चन है कि स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। जो आपकी स्वावलंबन योजना है वो किस चीज़ की जो है आपूर्ति या किस उद्देश्य से जो है उसे शुरू किया गया है, तो चौरासी का आंसर जल्दी बताएंगे आप क्या हो जाएगा, तो महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए जो स्वावलंबन योजना है वो शुरू की गई है या उसका उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा चौरासी क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं पिचासी क्वेश्चन की। पिचासी क्वेश्चन आपका कि उत्तर प्रदेश राजेश्वर कोण निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राजेश्वर कोण निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है स्थापित किया गया था, तो किस वर्ष स्थापित किया गया था। पिचासी क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताएं क्या हो जाएगा, तो 2006 में जो है इसे जो है आपका स्थापित किया गया था जो उत्तर प्रदेश राजेश्वर कोड है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर सही पिचासी का। बात करते हैं छियासी क्वेश्चन की। छियासी क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो क्या उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ पर हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ पर हो जाएगा जल्दी आंसर बताएंगे, तो उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ पर है, छियासी का आंसर जल्दी बताएं क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ में हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश बायोटेक पार्क, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही छियासी का। सताइस की बात करें, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, तो कौन सी है जो आपकी जनजाति जो आपकी बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, तो कौन सी हो जाएगी, सत्ताईस का आंसर जल्दी बताएंगे, जौन सारी जो आपकी जनजाति है ये आपकी बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा सतासी का। बात करते हैं अठासी क्वेश्चन। अठासी क्वेश्चन है कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, तो कवयित्री जो महादेवी वर्मा हैं उनका जन्म किस शहर में हुआ था, तो 88 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा, तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 26 मार्च 1907 को कहां पर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, और यहां बात करें इन्हें जो आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है, तो इनके लिए आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो संध्या गीत हो जाती है, स्वर्णदा हो जाती है, अतीत के चलचित्र हो जाते हैं, मेरा परिवार हो जाता है, दीपशिखा हो जाती है, नीरजा हो जाती है और नीहा हो जाती है, तो कौन सी होता है, निहार हो जाती है। ये आपकी महादेवी वर्मा की कुछ जो आपकी रचनाएँ हो जाती हैं, प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। बात करते हैं नवासी क्वेश्चन। नवासी है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत जो हाजी बारिश अली शाह की जो मजहर पर जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है, तो कहाँ पर लगता है आपका, नवासी का आंसर क्या हो जाएगा, तो देव शरीफा में लगता है, कहाँ पर, देव शरीफा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नवासी का आंसर सही। बात करते हैं नब्बे क्वेश्चन। नब्बे क्वेश्चन है आपका कि लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है ये प्रारंभ कब हुआ था, जो लखनऊ उत्सव है उसे लखनऊ महोत्सव कहा जाता तो ये प्रारंभ कब हुआ था, तो कब प्रारंभ हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो 1975 और 76 में ये जो है प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 90 का आंसर सही। बात करते हैं 91 क्वेश्चन। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो जो अवध राज्य है उसका जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था तो कब उसका विलय हुआ था, तो 91 का आंसर जल्दी बताएं क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बोलेंगे तो ये हो जाएगा 1856 में जो है अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में जो है आपका क्या विलय कर दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 92 क्वेश्चन की। 92 क्वेश्चन आपका कि ताज एक्सप्रेसवे
किन शहरों को जोड़ता है, जो ताज एक्सप्रेस वे वो किन शहरों को जोड़ता है, तो किन शहरों को जोड़ता है, तो आगरा और ग्रेटर नोएडा इन दोनों शहरों को जो है आपका ताज एक्सप्रेस वे जोड़ता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 92 का आंसर। 93 की बात करें, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, जो आपका वैकल्पिक ऊर्जा जो है इसकी जो स्थापना या संस्था की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी हो जाता है 93 का आंसर सही। बात करते हैं 94 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन आपका कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है, क्या बताना है, जो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल जो व्यापार सुविधा केंद्र है वो कहाँ पर स्थित हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी में स्थित। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, किसकी, दीनदयाल जो हस्तकला संकुल है, तो इसकी स्थापना 22 सितंबर 2017 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब, 22 सितंबर 2017 को जो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा हो जाती है तो इसका स्थापना होती है वाराणसी के अंदर। बात करते हैं 95 क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुंगदी कागज और गत्ते के लिए जो है उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो कौन सा हो जाता है आपका, जो लुंगदी और कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए कौन हो जाता है, तो बिजनौर हो जाएगा आपका इसके लिए, और बिजनौर से जो है आपकी गंगा प्रवेश करती है। तो आगे बात करते हैं हम 96 क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर बताना है आपको कि सुमित फर्स्ट को सेकंड से जो है मिलाना है, एक तरफ आपको उद्योग दिए हुए हैं, दूसरी तरफ प्रदेश में जो अवस्थित हैं, तो कहाँ पर कौन सा उद्योग जो है आपका प्रसिद्ध है ये बताना है। तो 96 का आंसर जल्दी बताएंगे आप क्या हो जाएगा, तो सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, तो कहाँ पर सबसे अधिक किया जाता है, तो चुर्क है, यहाँ पर सीमेंट का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। और बात करें कागज़ कहाँ पर है, सहारनपुर के अंदर है। और इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कहाँ पर है, नोएडा के अंदर। और फर्नीचर कहाँ पर है, तो बरेली में हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेंगे तो पहले का हो जाता है आपका तीसरा, और बी का हो जाता है आपका पहला, और बात करते हैं सी का हो जाता है आपका कौन सा, चौथा, और डी की, सी का चौथा हो जाता है, और डी की बात करते हैं तो डी का हो जाएगा आपका दूसरा। तो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, तो कौन से में हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर सही 96 का। बात करते हैं 97 क्वेश्चन की। 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का बताना है जो आपका प्रमुख उद्देश्य जो उद्योग है वो नहीं है, तो कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाएगा ऑटोमोबाइल जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का उद्योग नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर सही। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग कौन कौन से हो जाते हैं आपके, चुनार मिर्ज़ापुर में, चुर्क कहाँ पर हो जाता है, सोनभद्र में, रायबरेली और गौरीगंज और जगदीशपुरम हो जाता है अमेठी में, कासगंज, झांसी, टांका या अंबेडकर नगर में हो जाते हैं। चीनी उद्योग की बात करें तो मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा, ये आपके चीनी उद्योग हो जाते हैं। कपड़े उद्योग की बात करें तो कपड़े उद्योग कौन कौन से हो जाते हैं, कानपुर, मेरठ, टंडा और महर और देवबंद और धामपुर और सिकंदराबाद और मऊ जो है सूती वस्त्र के लिए हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाते हैं ये तीनों जो आपके ऑप्शन बचे। अब बात करते हैं 98 क्वेश्चन। 98 की, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है, तो कौन सा, बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहां पर हो जाता है आपका, तो जल्दी आंसर बताएंगे 98 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर, तो कुशीनगर में जो आपका है बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 98 का आंसर सही। बात करते हैं 99 क्वेश्चन की। 99 क्वेश्चन है कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या हो जाता है, तो आलू उत्पादन में जो आपका उत्तर प्रदेश का स्थान है भारत के अंदर क्या हो जाएगा, तो पहला स्थान हो जाता है आपका आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का। आगे बात करते हैं 100 क्वेश्चन की। 100 क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो कहाँ पर जो है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपकी सोयाबीन की
खेती की जाती है तो वो किस क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक की जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक आपकी सोयाबीन की खेती की जाती है। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे जालौन आ जाता है, झांसी आ जाती है, ललितपुर आ जाता है, हमीरपुर आ जाता है, बांदा और महोबा, ये जो है सोयाबीन के प्रमुख जो है आपके हो जाते हैं उत्पादन करने वाले कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, तो 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं, जिसमें कि आपको 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन आपको जो आपके यूपी जीके के करा दिए। तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। कितने 100 क्वेश्चन में से सही गए वो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि कितना आपका स्कोर रहा। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको यहाँ पर 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे और ये 15 प्रैक्टिस सेट ऐसे होंगे कि आपको एग्ज़ाम में देखने को यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही मिलेंगे। तो फिर हम मिलेंगे फिर इसी तरह से अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।